हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वुमेन कोटा बिल इन लोकसभा। तो देखिए, एक वुमेन कोटा बिल हुआ है, इसमें कोटा बिल है, देखते हैं क्या है। इन ए हिस्टोरिक मूव आफ्टर ए स्पेशल सेशन शिफ्टेड टू द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन ट्यूसडे। तो ये नए पार्लियामेंट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं सब लोग, ओल्ड पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में शिफ्ट हुआ है। ये स्पेशल सेशन हो रहा था पार्लियामेंट का जस्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ द मानसून सेशन। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा। तो यहाँ पे हुआ है, ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में, टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोअर हाउस एंड द असेंबलीज ऑफ द वुमेन। 1/3 हो जाता है आपका 33%। और आप देखिए, ये लोअर हाउस में भी हो रहा है, मतलब लोकसभा, और असेंबली ऑफ इन स्टेट असेंबलीज में भी हो रहा है फॉर वुमेन। द कॉन्स्टिट्यूशन 128। तो ये आपका अमेंडमेंट बिल का नंबर है, 128th अमेंडमेंट बिल है ये 2023 का। हाउ एवर वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर दी 2026 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यूजिंग डेटा फ्रॉम दी सेंसस टू बी कंडक्टेड आफ्टर दी पैसेज ऑफ द बिल दिस ईयर। देखो, बिल तो अभी ले आए, पर आप देखो, ये 2026 के बाद जो अपना डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, वापस से जनगणना होगी, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इन्होंने प्रोविजन तो अभी बना दिया है बिल, अब देखिए क्या होता है आगे, पर ये चीज लागू आपके 2026 के बाद ही होगी। द रिजर्वेशन इन द लोकसभा कैन हेंस बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द लोकसभा इलेक्शन इन 2029 एंड नॉट इन 2024। देखिए, क्योंकि इसके बाद 29 में होगा, इसलिए अभी तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद देखते हैं। द पीएम अपील टू बोथ हाउस टू पास द बिल बाय कंसेंसस। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल who introduced the bill said going by the house current strength the number of women member would rise to 181 from 82 once the law comes into force। तो आप देखिए, ये अभी 82 है जो करंट वुमेन यहाँ पे सर्व कर रही है लोकसभा में आपके। जब ये बिल आ जाएगा वहाँ, यानी कि 33% जब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 181, ये नंबर पहुँच जाएगा। और अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये 82 है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 14.36 कुछ परसेंट है। डेटा शोन वुमेन एमपी मेकअप अ मेयर 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। वही मैंने आपको बताया, 14.36% टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड अराउंड 10% इन द इन मेनी असेंबलीज। द बिल सेज 1/3 ऑफ द सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो देखो, यहाँ पे 1/3 जो है वो SC ST की वुमेन के लिए भी हो जाएगा। देर इज हाउ एवर नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर वुमेन फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस, एन इशू फ्लैग बाय लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे इन राज्यसभा। द लॉ विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स। द रिजर्व सीट्स विल बी रोटेटेड आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन। ठीक है, ये वही जैसा आप पंचायती राज में देखते आए हैं, वैसा ही होगा कि रोटेट होता रहेगा हर डिलिमिटेशन के बाद। और ये 15 साल की यहाँ पे बात हो रही है। द प्राइम मिनिस्टर रिकॉल्ड हाउ प्रीवियस अटेम्प्ट्स इन द पास्ट 27 ईयर टू पास द बिल हैड फेल्ड। ठीक है, पहले फेल हो चुके हैं 27 सालों में, यही चीज मोदी जी ने बताया है। ही सेड सितंबर 19 वुड बी ईच इन हिस्ट्री एंड गॉड हैज चोजन हिम फॉर द नोबल वर्क। तो उनके हिसाब से ये बहुत नोबल वर्क है और भगवान ने उन्हें चुना है। द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम द हिंदी टाइटल ऑफ द बिल। तो उन्होंने इसको हिंदी टाइटल दिया है। फर्दर स्ट्रेंथन अवर डेमोक्रेसी, आई अश्योर ऑल मदर्स सिस्टर एंड डॉटर्स ऑफ द नेशन डेट वी आर कमिटेड टू मेकिंग दिस बिल इन टू अ लॉ। इन द कैबिनेट यस्टरडे द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वॉज गिवन अप्रूवल। तो मतलब इन्होंने बताया है कि कैबिनेट में अप्रूवल मिल चुका है। मिस्टर मोदी सेड इन हिज फर्स्ट स्पीच इन द न्यू लोकसभा एमिड थम्पिंग ऑफ द डेस्क बाय मेंबर। तो वहाँ पे ताली ऐसे ठोक ठोक के डेस्क पे बजाते, तो वही हो रहा है, थम्पिंग ऑफ द डेस्क बाय मेंबर। इन द राज्यसभा वेयर द गवर्नमेंट विल हैव टू रिलाई ऑन अपोजिशन सपोर्ट टू हैव अ 2/3 मेजोरिटी टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये कौन सा है, मैंने आपको भी बताया था, 123rd अमेंडमेंट बिल है ये, ऐसा मोदी जी ने बोला है। दिस इज सच अ सब्जेक्ट दैट डिजर्व कंसेंसस एंड आई अपील द मेंबर ऑफ राज्यसभा टू सपोर्ट द बिल वेन कम हेयर। क्योंकि आप देखो, लोकसभा में क्यों नहीं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी लोकसभा में बहुत अच्छी मेजोरिटी है, तो राज्यसभा में ये कह रहे हैं कि प्लीज़ भाई पास करो, बहुत अच्छा कॉज है ये, इस बिल से बहुत अच्छी कॉज होगी।
The women's reservation bill was brought in earlier by the Devegowda government in 1996, the Atal Bihari Vajpayee government in 1998 and 1999, and Manmohan Singh government in 2008 when it was introduced in Raj Sabha. तो ये बात हो रही है, ये पहले कब कब इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये इसकी हिस्ट्री की बात हो रही है. और ये देखिए, ये उस समय राज्यसभा में हुआ था. अब देखिए मैं आपको इसमें बता दूँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले हमारे लिए देखिए, ये 123rd अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है. हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है अमेंडमेंट वाला प्रोसेस, ठीक है, अमेंडमेंट कैसे होता है. और इसमें आप देखिए, ये बिल लोकसभा में आपका जा रहा है, यहाँ से राज्यसभा में पास होगा, तो यहाँ पे इसकी क्या मेजोरिटी की लगेगी हमें, और उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए ये बिल को भेजा जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ये बात हो रही है. अब थर्ड बात रही, जो मैं आप लोगों से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ, क्या बिल पास कर देने से वुमेन रिजर्वेशन बिल कोटा दे दो 33% का, इज वर्क डन, क्या इतना सफिशियंट है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ. ऑब्वियसली इतना सफिशियंट नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा, जो अभी 15% स्ट्रेंथ है, 81 है अभी वुमेन, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 14.36%. क्या ये सारी की सारी ऐसी औरतें उठ रही हैं जो नॉर्मल हाउसवाइफ है और वो कुछ करना चाह रही हैं? नहीं, ये सारी की सारी औरतें वही हैं जिनके घर में ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल लीडर है. तो हमारा पर्पस तो अभी सर्व हो नहीं रहा है, तो वो पंचायती राज जैसा हो जाएगा कि आदमी औरत को खड़ा तो कर दे रहा है पर औरत रूल कर नहीं रही है अपने हिसाब से, वो रूल कर रही है आदमी के हिसाब से ही. तो ठीक है, बिल आ रहा है, बिल आना एक बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है. पर बिल के साथ साथ ना एक ये देखिए, ये अपर लेवल पर ये चेंज हो रहा है बिल आने से, ठीक है. बिल के साथ एक लोअर लेवल पे यहाँ पे हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी औरतों को कि भाई आप लोग अपना ध्यान रखिए. और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिनके घर में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास है, वही वुमेन आगे बढ़ सकती हैं. एक ये बिल सक्सेसफुल तब मैं मानूंगा जिस दिन एक नॉर्मल हाउसवाइफ घर से उठे और वो कुछ करना चाहे देश के लिए और वो एक जाके लोकसभा में बैठे, तो उस दिन ये बिल सक्सेसफुल होगा. अभी तो चलिए एक पहल है गवर्नमेंट के तरफ से, अच्छी बातें होना चाहिए, पर इसके ऊपर आप थोड़ा सोचिएगा, गिव इट अ थॉट. सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.